मस्ती हो रही है। करुणा की गाड़ी में बॉडी पड़ी थी अभी भी और चक्कर आ रहा है। पानी के लिए रोका तो भाग जाएगा क्या, हमें मारेगा क्या है? पानी तक नहीं दिया मुझे, हमें भगा ने धक्के मार के भगा दिया। हमें कोई नहीं पूछ रहा था, हमें फोन आया कि आपका ड्राइवर बेहोश होने वाला, तो हमें अभी इनको पानी लेके आया इनके लिए। किसी ने रास्ते में गाड़ी में लाश पड़ी थी कोरोना की, किसी ने पानी नहीं पूछा, इन्होंने गाड़ी रोकी, पानी मांगा, उनको पानी नहीं दिया। 46 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में किट्स पहनकर आप इनकी हालत देखिए, जरा क्या रखी है, क्या इनकी सेवा के बदले इनको पानी नहीं मिल सकता। मुझे शर्म आती है ऐसे लोग कुछ जो इनको अश्लील समझ रहे हैं। ये व्यवहार बहुत गलत है कोरोना योद्धा के साथ, दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। COVID-19 की लाशें तक ये हमारी कोरोना योद्धा उठा रहे हैं, ये मान सम्मान सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। भारत की, भारत माता की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं लोग। कोरोना की वो डेड बॉडी जिन्हें अपने भी या तो दहशत की वजह से या क्वारंटीन होने की वजह से शमशान घाट नहीं आ पा रहे हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे ही कोरोना की लाशों की सेवा हमारे कोरोना योद्धा शहीद भगत सिंह सेनानी निभा रहे हैं। इनकी हालत देखिए आप, अभी इन्होंने जस्ट पीपीई किट उतारी है, पसीने में बिल्कुल तरबतर है ये। कहीं ये गाड़ी रोक के 2 घूंट पानी मांग लेते हैं तो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे शायद ये कोई टेररिस्ट है या कोई पता नहीं भीख मांगने वाले आ गए हैं। आज इनको दुख सहना पड़ रहा है लेकिन जनता की सेवा करते हुए हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के सारे वॉरियर्स डे एंड नाइट एक ही सेवा में लगे हुए हैं, वो है इन लाशों की सेवा जो कोरोना के टाइम में दिल्ली में फैल चुकी है बीमारी। भाई इनको अछूत समझे, अपने पास ना आने दे, हमें शहीद भगत सिंह सेवा दल को अपने कोरोना योद्धाओं पे गर्व है।